दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोरोना का ज़रूर ज़रूर ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज दोस्तों हम फालूदा बनाएंगे, जो एक बाज़ार में बिकने वाला एक सिंपल सा फालूदा है। ये HM इंदौरी फालूदा और बहुत ही प्यारा है, और इस पर विधि भी लिखी हुई है। HM फालूदा को 1 लीटर दूध में 15 मिनट अच्छी तरह उबालना है, तो इसी रेसिपी से हम बनाएंगे। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर भी आते हैं, जैसे ये पिस्ता, रो चॉकलेट, मैंगो, वनीला, और मैं चॉकलेट लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे आइटम डाले हुए हैं। किशमिश भी है, चेरी है, कोकोनट है, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सब रेडी है। अपने को सिर्फ दूध में डाल के 15 मिनट उबालना है। सिंपल रेसिपी है, तो चलो दोस्तों हम बनाते हैं और तैयार करते हैं। तो दोस्तों, खाली बर्तन लिया है मैंने, इसके अंदर ये फालूदा खोल के इसके अंदर डाल देता हूँ। सिंपल है, एक पैकेट में 1 लीटर दूध लेना है, और मैं इसमें दूध भी डाल देता हूँ, जो मैं फ्रेश दूध लेके आया हूँ अभी, और फालूदा के अंदर डायरेक्ट डाल रहा हूँ। और इसको मैं ऑन कर देता हूँ, चूल्हे को, इंडक्शन को मैंने ऑन किया है, मीडियम आंच पर रख रहा हूँ। और इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे चम्मच से, ताकि ये इसमें गुठली वगैरह ना बने और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं चॉकलेट फ्लेवर लेके आया हूँ, और देखिए इसमें बहुत सारे आइटम गार्निश किए हुए हैं, जैसे इसमें चेरी भी है, कोकोनट है, किशमिश है, और ऊपर ये गुलाब की पत्तियाँ दिख रही है। एक वो क्या बोलते हैं उसको, बापची जो हम बोलते हैं, उसको क्या, वो सब्जा भी बोलते हैं, सब्जा है जो, ये भी इसके अंदर मिक्स है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर मार्केट से ख़रीदना अगर आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में मिले तो। और इसको एक दो बार 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 हिलाना है अपने को, तब तक अच्छा उबालना है, तब तक आप एक दो बार मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अच्छी तरह उबाल आ रहा है। जब तक ये टाइट ना हो जाए, थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको उबालेंगे। दोस्तों, कोरोना का भी बहुत ही ज़्यादा माहौल हो रखा है, बहुत लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, और आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई तरह की लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि आज हॉस्पिटलों में आपको पता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि जिनको ऑक्सीजन की कमी है, जो ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, उनमें हम भी एक आदमी हो कि अपन भी एक ऑक्सीजन ढूंढे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सुरक्षित रहिए, अपना काम कीजिए, बट अपनी सावधानी से और सुरक्षित तरीके से आप काम कीजिए अपना। तो दोस्तों, अच्छी तरह इसका उबाल आ चुका है, तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुका है, और इसको 15 मिनट तक अच्छा सा उबालना है, तब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी भी गाढ़ा हुआ है, लेकिन इतना गाढ़ा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत गाढ़ा हुआ है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तो चम्मच पे लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छा। ये देखो, मैंने वर्मीसीली को चेक कर रहा हूँ, सेवैयों को, ये भी पक चुकी है, और तकरीबन मेरे इसको चढ़ाए हुए 12 से 13 मिनट होने लग गए, 13 मिनट हो गई है, और ये गाढ़ा भी देखो खूब होने लग गया है, और चम्मच पे भी लगने लग गया है अभी। बहुत प्यारा आइटम है दोस्तों, ये देखो चम्मच पे किस तरह लगा हुआ है, चिपकने लग गया चम्मच पे, क्योंकि गाढ़ा होने लग गया है। और बहुत प्यारा आइटम है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के बाद में आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद में आप फ्रिज में रखिए, ठंडा करके आइसक्रीम डाल के खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखिए, गाढ़ा हो गया है लगभग, ये देखिए, कुछ टाइम नहीं लगा दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट में रेडी हो गया, कोई टाइम नहीं लगा। ये देखिए किस तरह गाढ़ा हुआ है, दूध फुल चिपका हुआ है, और 15 मिनट में एकदम डिश तैयार हो जाता है, बस ठंडे करने की देरी है। बस अब मैं इसको रखूँगा साइड में, जब थोड़ा ये मीडियम हो जाएगा, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगा, और फिर आइसक्रीम डाल के इसको खाएँगे। बाज़ार से जब ख़रीदते हैं, तो दोस्तों 30 से 35 रुपये गिलास का लगता है, और इतना आनंद भी नहीं आता, इतना मज़ा भी नहीं आता है। और ये बहुत ही अच्छी और सॉलिड चीज़ है, घर में अपन खुद हाथ से बनाते हैं। मैं गैस बंद, इंडक्शन बंद कर देता हूँ, और इसको थोड़ी देर ठंडे होने के लिए छोड़ देता हूँ, और कुछ देर फ्रीज में डालने के बाद में हम खाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।